हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, पिछली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, है ना। उसमें अपन ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर चुके थे, इक्वेशन नंबर 3। और मैंने आपको ये कहा था कि आपको इसका फॉरवर्ड स्कैटरिंग के लिए, परपेंडिकुलर स्कैटरिंग और बैकवर्ड स्कैटरिंग के लिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, है ना। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, लेकिन जिन्होंने कर लिया वो लोग अपना चेक कर लें, है ना। ठीक है, मैं एक एक करके सारा कर देती हूँ। देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं केस फर्स्ट फॉर फॉरवर्ड स्कैटरिंग, है ना। फॉरवर्ड स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि फाई जो है हमारा जीरो होगा। फॉरवर्ड रटना नहीं है भाई, फॉरवर्ड का मतलब है इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि फोटोन जो हमारा आ रहा है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है और आगे जा रहा है, ठीक है। तो वो आगे जाएगा तो इधर ही जाएगा, तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी। दैट मीन्स कि जो स्कैटर्ड हो रहा है हमारा फोटोन वो भी इसी डायरेक्शन में स्कैटर हो रहा है, ठीक है। तो जो एंगल है वो जीरो होगा, ठीक है। कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी, 1, जिसको आप यहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, है ना। तो मैं रख रही हूं पुट इन इक्वेशन 3। तो आपके पास k इज इक्वल टू आएगा एच न्यू अल्फा, 1-1 ही हो गया ये, तो यहीं पे, है ना। कॉस फाई की वैल्यू रखोगे ना आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 1-1, नीचे कुछ रखने की जरूरत नहीं है, है ना। तो नीचे अपने पास 1 ही बचेगा, क्योंकि ये 1-cos φ ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब क्या है कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग के केस में जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन मतलब ये हमारा फोटोन आ रहा था, इलेक्ट्रॉन से टक्कर कर रहा था, तो ये तो हमारा जा रहा था फाई एंगल पर फोटोन, है ना, और ये हमारा आ रहा था इलेक्ट्रॉन थीटा एंगल पर। तो अगर फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी, यानी कि अगर फॉरवर्ड स्कैटरिंग मतलब फोटोन अगर इसी डायरेक्शन में स्कैटर होगा, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, 0। समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर सेकेंड देखें भाई। नेक्स्ट है आपकी फॉर परपेंडिकुलर स्कैटरिंग, ठीक है। इसमें अगर फाई आपका परपेंडिकुलर है तो फाई तो 90 होगा, इस केस में कॉस फाई की वैल्यू क्या आएगी, 0। रखो फिर इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन इक्वेशन 3, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एच न्यू अल्फा। ये जो आपका 1-cos φ है, कॉस फाई तो 0 हो गया, ठीक है, और आपका आ जाएगा 1+α, एच न्यू अल्फा अपॉन 1+α। अब आप बता दें, सिंस एच न्यू अपॉन आपने अल्फा माना था ना, कितना माना था, एच न्यू अपॉन m0c², है ना, एच न्यू अपॉन m0c² आपने माना था अल्फा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख दो, ठीक है। देयरफॉर k कितना आ जाएगा, एच न्यू अपॉन में m0c² अपॉन 1 अपॉन, यहाँ भी रख दो m0c², ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, h²ν² अपॉन h²ν+m0c², एलसीएम कट गए, ठीक है भाई। तो ये तो कोई खास रिजल्ट नहीं है, इसके बारे में तो अपन क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। केस 3 देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बैकवर्ड स्कैटरिंग। ये दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड यही ज्यादा पूछे जाते हैं। बैकवर्ड स्कैटरिंग, इसमें फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, और कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1, ठीक है। तो आपका जो के है, के कितना होगा, रखेंगे आप उस इक्वेशन में तो आपके पास एच न्यू अल्फा 1+1, दैट मीन्स 2 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 1+2α, राइट। 2 एच न्यू वैल्यू रखते हैं, एच न्यू अपॉन में m0c², और 1+2 एच न्यू अपॉन m0c², ठीक है भाई। चलें आगे देखें, k इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2h²ν² अपॉन 2hν+m0c², ठीक है। तो ये तो आ गया फॉर बैकवर्ड स्कैटरिंग, दिस इज फॉर परपेंडिकुलर स्कैटरिंग, एंड दिस इज फॉर फॉरवर्ड स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई।
अब आप जो देखें इसमें जो ये तो था आपका फर्स्ट एप्लीकेशन कॉम्प्टन इफेक्ट का, जिससे हम कॉम्प्टन इफेक्ट के एक्सप्रेशन का यूज करके हमने क्या निकाला है, वेलोसिटी नहीं काइनेटिक एनर्जी निकाली है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो आपका इसमें एप्लीकेशन है डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो देखें आप। नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर एप्लीकेशन है डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। देखिए भाई, डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आपने जब काउंटर इफेक्ट शुरू किया था तो आपने इक्वेशन निकाली थी, अगर आपको ध्यान हो तो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, यानी कि स्टार्टिंग में जहाँ हमने कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाया था एनर्जी का, और हमने क्या लगाया था मोमेंटम कंजर्वेशन में, दो इक्वेशन निकाली थी, एक तो इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री। समझ में आ गई बात, हमें क्या निकालना है डायरेक्शन। डायरेक्शन किससे पता चलती है, हम अब तक जितने भी फिजिक्स में करते आए हैं टॉपिक, उनमें डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा टेन थीटा को कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड से मुझे टेन थीटा मिल सकता है, फर्स्ट का तो कोई यूज है नहीं क्योंकि उसमें तो कोई एंगल ही नहीं आ रहा फर्स्ट में, तो क्योंकि वो एनर्जी कंजर्वेशन है तो एंगल का क्या यूज है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, बट जो मोमेंटम होता है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसमें एंगल आ रहे हैं आपके, देखो ना दोनों साइड एंगल आ रहे हैं इवन। ठीक है, तो आपको टेन थीटा लेकर आना है, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करोगे इक्वेशन टू से, तो आपको मिल जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, अच्छा देखो, अब आप सोच रहे होगे कि भी एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में सुनो, अगर आपके पास आएगा कॉम्प्टन इफेक्ट, ठीक है, उसके साथ वो ऐड करके देगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब आप कॉम्प्टन इफेक्ट बताओगे अलग से तो ये कम ही आता है डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ये चीज आप ध्यान रखना है, एप्लीकेशन है तो वो कॉम्प्टन इफेक्ट के साथ मिक्स करके ही क्वेश्चन देगा। समझ में आ रही है बात आपको, तो ये इक्वेशंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, बाय चांस अगर ऐसा हो जाए कि आप ही जाए अलग से भी आ जाए, है ना, और नंबर भी इतने नहीं है कि आप पूरा कॉम्प्टन इफेक्ट बताएं एंड देन फिर उसको ये सब कुछ करें, है ना, तो आप पता है क्या करना, अगर आपका ये आ जाए फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्टन इफेक्ट, इन दैट केस आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्टन इफेक्ट तो आपको वैसे भी समझाना पड़ेगा, डायग्राम भी आपको ऑब्वियसली बताना पड़ेगा क्योंकि उसमें रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कौन सा है ये तो आप बताओगे, ये तो है नहीं कि डायरेक्टली शुरू कर दोगे उसको। ठीक है, अब पूरा डायग्राम बताओगे तो क्या उसमें ये इक्वेशन नहीं बताओगे कि एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो वहां पे ये इक्वेशन ऑलरेडी आ जाएंगी, है ना, कोई ऐसा रटने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूं यहां पे, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं कि डिवाइडिंग इक्वेशन थ्री बाय टू। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, तो अब इतना तो कॉमन सेंस आप में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरीके से आंसर दिए जाते हैं, है ना, तो वो तो बच्चे की खुद की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन टू से डिवाइड करूंगी तो एलएचएस में मुझे एमवीसी से एमवीसी से कट जाएगा, क्या बचेगा टेन थीटा, ये लो भाई टेन थीटा आ गया। इधर आप इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करोगे तो देखो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा न्यू डैश साइन फाई डिवाइडेड बाय न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा न्यू डैश साइन फाई अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। ठीक है भाई, अब आप क्या करें इसमें आगे देखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इसमें से न्यू डैश को कॉमन ले लो, है ना, नेक्स्ट स्टेप में कर देती हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू न्यू डैश साइन फाई अपॉन। अब देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें से न्यू क्यों कॉमन नहीं लिया, अगर आप न्यू कॉमन लेते तो आप देखो कि सिचुएशन कितनी अनकंट्रोल हो जाती कि न्यू आप बाहर निकालते। ठीक है, एक तो बनता न्यू डैश अपॉन न्यू और एक बनता वन माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू कॉस फाई, तो न्यू डैश अपॉन न्यू की वैल्यू हमारे पास है तो दोनों जगह रखनी पड़ती। अब फायदा क्या होगा, न्यू डैश को कॉमन निकालो अंदर बचेगा वन माइनस नहीं न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस कॉस फाई। ठीक है भाई, अब न्यू डैश से न्यू डैश कैंसिल हो गया, वैल्यू सिर्फ एक ही जगह पर रखनी पड़ेगी न्यू अपॉन न्यू डैश की। अब आप न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू तो जानते हो कितनी होती है, न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू आपने निकाली थी कि नहीं, इसको मैं नंबर डाल दूं, अब तक कितने नंबर आ गए अपने पास आ गए नंबर, लास्ट नंबर हमने इस काइनेटिक एनर्जी को डाला था ना तीन को, आप इसको डाल देना चार, इसको डाल देना पांच और इसको डाल देंगे हम छह। ठीक है, और इसके बाद हम इसको डाल रहे हैं सात। समझ में आ गई बात, मैं वैल्यू किसकी रखनी है, न्यू अपॉन न्यू डैश की, सिंस हम जानते हैं कि न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू कितनी थी, वन प्लस एल्फा वन माइनस कॉस फाइव।
समझ में आ गई बात। तो इस वैल्यू को हम रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देयरफोर टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, साइन फाई अपॉन वन प्लस एल्फा वन माइनस कॉस फाई माइनस कॉस फाई, ठीक है। इसको खोल लो आगे, साइन फाई अपॉन वन प्लस एल्फा माइनस, कटेगा तो कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। इसको खोल लेते हैं अपन, ऐसा करते हैं एक बार, वन प्लस एल्फा माइनस एल्फा कॉस फाई और माइनस कॉस फाई, ठीक है भाई। अब आप क्या करो, ये जो लास्ट की दो टर्म्स हैं है ना, इसमें से आपका क्या कॉमन ले लें, अपना दोनों टर्म्स में से लास्ट की में कॉस फाई कॉमन आ जाएगा है ना। तो टेन थीटा कितना आएगा, साइन फाई अपॉन वन प्लस एल्फा, ये तो एक तरफ हो गया, और इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया, माइनस कॉस फाई, अंदर क्या बच गया, वन प्लस एल्फा ही बच गया है ना। तो ये तो जानते हो आप, ऐसे रूट वगैरह निकालते हो ना, साइन फाई अपॉन वन प्लस एल्फा कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या बच गया, वन माइनस कॉस फाई, ठीक है भाई। मैथमेटिक्स चल रही है भाई, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, ठीक है। अब देखिए आप साइन फाई, अब वन प्लस एल्फा, जब भी आप कॉस के साथ वन देखते होगे एक चीज़ दिमाग में आती होगी, हाफ एंगल में कन्वर्ट करने वाली, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे। आप जानते हो ना कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो वो तो लगेगा नहीं यहाँ पे, कौन सा वाला लगेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब ये इसका हाफ एंगल करना है तो फाइव बाई टू हो जाएगा है ना, तो क्या बन जाएगा, वन माइनस टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, टू होता है तो वन बन जाता है, अब वन है तो हाफ बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो गया आपका, ठीक है भाई। तो आपका क्या बन गया ये, अच्छा एक 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 मिनट एक मिनट, गलत लगा दिया ना फॉर्मूला, ये आपका लगेगा वो वाला, कौन सा वाला, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा वाला, ये वाला लगेगा है ना, तभी कटेगा आपका, क्योंकि बाहर इसमें माइनस है। तो आपका क्या बन जाएगा ये, इसको तो आप बना दो साइन और इसको आप बना दो, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ प्लस हो जाएगा ये है ना, ठीक है, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपका टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, लेकिन एक बात है ना, लगे आता आप एक काम और करो, वरना ये इससे कटेगा नहीं, इसको अभी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, टू साइन फाइव बाई टू कॉस फाइव बाई टू, आप जानते हो ना साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, होता है ना। तो अब आप क्या करना कि ये जो टू साइन फाइव बाई टू है, ये इससे, इसमें से एक टू साइन फाइव बाई टू से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा कॉस फाइव बाई टू और नीचे बचेगा एक साइन फाइव बाई टू है ना। अब तो ये क्या बन जाएगा, कॉट है ना, तो आपका ये बन जाएगा कॉट फाइव बाई टू डिवाइडेड बाय वन प्लस एल्फा। तो इसका मतलब आपका टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉट फाइव बाई टू डिवाइडेड बाय वन प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये आपके पास टेन थीटा का फॉर्मूला आ गया, यानी कि डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन तो आई गई ना, थीटा थीटा निकालना, टेन को उधर ले जाओ, टेन इनवर्स हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। अब ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर एट। अब फिर से इसमें वही तीन केस, कौन कौन से, फॉरवर्ड स्कैटरिंग, बैकवर्ड स्कैटरिंग, परपेंडिकुलर स्कैटरिंग, ठीक है भाई। भाई बेसिक मैथमेटिक्स है, आप इसमें सोच रहे होगे मैं दिखा तो आपको एक एक स्टेप रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी मैथ्स के बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कोई बायोलॉजी का बच्चा होता, बायोलॉजी तो अपने है नहीं कोई, तो बायोलॉजी का होता तो बात अलग होती है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये सिंपल सी कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस चल रहा है मैथमेटिक्स का, कोई बहुत घोर मैथमेटिक्स भी नहीं चल रही है, ठीक है भाई। तो आपके पास टेन थीटा का ये वैल्यू आ गई। अब आप देख ही रहे हो कि ये जो थीटा एंगल है वो स्कैटरिंग एंगल फाई पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब फिर से वही तीन केसेस आएंगे, फॉरवर्ड स्कैटरिंग, फॉर बैकवर्ड स्कैटरिंग एंड फॉर परपेंडिकुलर स्कैटरिंग, ठीक है। तो आपको वो फाइंड आउट करके रखना है, ठीक है। यानी कि जब फाई बराबर जीरो होगा, फर्स्ट केस में फाई बराबर जीरो होगा, तो टेन थीटा कितना निकल करके आएगा, ठीक है।
यानी कि ये तो हो गई फॉरवर्ड स्कैटरिंग। परपेंडिकुलर में फाइव बराबर 90 करोगे तो टेन थीटा कितना निकल करके आएगा, ठीक है। केस थर्ड में आपको करना है कि जब आपका फाइव इज इक्वल टू 180 यानी कि बैकवर्ड स्कैटरिंग होगी तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ये आप फाइंड आउट करके रखना और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगी। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो अब ये कॉम्पटन इफेक्ट आपका खत्म होने की कगार पे आ गया है बिल्कुल, तो ये आपका ये केस हो जाएगा। और कल आपका वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ये तीन एप्लीकेशन है। इसके बाद हम करेंगे, दो कर चुके हैं, तीसरा कल हो जाएगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स उठाएंगे, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट के, ठीक है। तो बी प्रिपेयर फॉर द न्यूमेरिकल्स। तो जिस दिन मैं न्यूमेरिकल में कह दूंगी कि भाई कल न्यूमेरिकल कराना है, उस दिन आप रेडी रहना वीडियो के आने से पहले पूरा कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ के, ताकि आप न्यूमेरिकल्स करने में आपको मदद मिले, ठीक है। तो पूरा टॉपिक और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना आप, ठीक है। ओके, थैंक यू।